प्लाज्मिड्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेरिंथो। प्लाज्मिड्स क्या है, इसके प्रकार एवं लक्षण देखिए। ठीक है ना, प्लाज्मिड्स देखिए। बैक्टीरियल कोशिका में गोलाकार गुणसूत्रीय डीएनए के अभिलेख। बैक्टीरिया कोशिका में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वतः जनन करने वाली आनुवंशिक डीएनए के रूप में पाई जाने वाली संरचनाएं प्लाज्मिड्स कहलाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कहें तो जाना है, झांसी जाना है, तो आप फोर व्हीलर से जा सकते हो और फोर व्हीलर के अलावा मोटरसाइकिल से भी जा सकते हो, टू व्हीलर से जा सकते हो। ऐसे ही इसमें डीएनए तो है ही कोशिका के भीतर। कोशिका के भीतर क्या है? डीएनए तो है ही। मान लीजिए इसके अंदर डीएनए पाया था, कौन से डीएनए? ठीक है ना, गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वतः जनन करने वाली आनुवंशिक डीएनए अणु के रूप में पाई जाने वाली रचनाएं क्या कहलाती हैं? प्लाज्मिड्स। कुछ और रचनाएं पाई जाती हैं जो डीएनए की समान होती हैं और स्वतः अपहरण की क्रिया करती हैं, अर्थात डीएनए का काम ही करती हैं। ठीक है, फरमाया गया है जैसे फोर व्हीलर का काम होता है, लेकिन फोर व्हीलर से नहीं जा सके हम, तो किस चीज से जा सके? ठीक है ना, ऐसे डीएनए के समान। ठीक है ना, कुछ और संरचनाएं पाई जाती हैं और संरचनाओं को क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड्स कहते हैं। ठीक है ना, फिर आगे लिखवा गया है इनकी खोज कौन ने की थी? लेडरबर्ग ने सन 1952 में की थी, 52 में की थी, 1952 में की थी। अब इसके कुछ लक्षण बताने हैं प्लाज्मिड्स की। तो जो डीएनए के लक्षण है उसे मिलती जुलती होती है क्योंकि उसी का काम करता है। तो इस स्वतंत्र आनुवंशिक इकाई है, इसलिए नए गुणों को उत्पन्न करने के लिए जीन अभियांत्रिकी में आवश्यक होती है। जीन अभियांत्रिकी क्रिया होती है, जेनेटिक अभियांत्रिकी की अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो उनके लिए क्या होती है? आवश्यक पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये स्वतंत्र आनुवंशिक इकाई है, जिसे डीएनए भी कहा जाता है। इसलिए नए गुणों को उत्पन्न करने के लिए, नए गुण बदलने आपको, तो आपको जीन बदलने पड़ेंगे। उसे बोलते हैं जीन अभियांत्रिकी, जिनमें जीनों को बदला जाता है तो संतान बदल जाएगी, नए लक्षण बदल जाएंगे। तो जीन अभियांत्रिकी में क्या होती है? नेक्स्ट, एक डीएनए के बड़े आनुवंशिक तत्व, जैसे डीएनए का डीएनए से मिलकर ही क्या होती है? बड़े आनुवंशिक तत्व हैं, अतः इनमें 100 पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है, अपने आप पुनरावृत्ति की क्रिया करते रहते हैं, इसीलिए डीएनए भी एक होता है। ठीक है ना, डीएनए के बड़े आनुवंशिक तत्व हैं, अतः इनमें स्वतः पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, एक गुणसूत्रों से छोटे तथा अलग पाए जाते हैं। एक गुणसूत्रों से कैसे पाए जाते हैं? छोटे तथा अलग पाए जाते हैं। गुणसूत्रों से छोटे होते हैं और उनसे कैसे होते हैं? अलग। ठीक है ना, अब आता है हमारा प्रकार, टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। एक निम्न प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है एक प्रतिलिपि प्लाज्मिड्स और सेकेंड होता है बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड्स, जिससे एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है, कॉपी प्राप्त होती है, एक प्रतिलिपि होगा जिससे बहुत सारी प्राप्त होती है, क्या बोलते हैं? बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये निर्णय नंबर फर्स्ट, एफ कारक या लिंग कारक। ये वे प्लाज्मिड्स हैं जो जीवाणुओं में संयुग्मन के लिए उत्तरदायी होते हैं। संयुग्मन होता है इसे, संयुग्मन में जुड़ना। ठीक है ना, तो ये प्लाज्मिड्स हैं जो जीवाणुओं में क्या करते हैं? संयुग्मन। ठीक है ना, संयुग्मन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एफ कारक या लिंग कारक कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड है लिंग, आर कारक या औषधि कारक। ये विप प्लाज्मिड्स हैं जो जीवाणुओं में औषधियों के प्रति, अगर जीवाणु जो है उनमें औषधियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। अगर जीवाणु में
जीवाणुओं में औषधियों की वृद्धि, दवाइयों की वृद्धि, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के कारण बनता कौन आर आर है। नेक्स्ट होता है हमारा कॉल का या कॉल कॉल सीन प्लाज्मा, कॉल सीन प्लाज्मा या कॉल का, ठीक है ना। यह वे प्लाज्मा है जो जीवाणुओं में, यह वे प्लाज्मा है जो जीवाणुओं में बैक्टीरियोसिन, इसके लिए बैक्टीरियोसिन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए बैक्टीरियोसिन के निर्माण के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अब ये हमारा क्या होता है? प्लाज्मा फिनिश होता है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है,